एक गांव में दीपक नाम का आदमी होता है। उसकी पत्नी रात होते ही एक चुड़ैल में बदल जाती है। अरे दीपक जी, आप वहां कहां देख रहे हैं? आपकी पत्नी तो यहां है, आइए मुझे पकड़िए। अरे तुम क्या कर रही हो, मुझे डर लग रहा है, मुझे ऐसे डराओ मत। अरे बिमला, तुम मुझे डरा क्यों रही हो, ये मजाक करना बंद करो। अरे दीपक जी, आपको लग रहा है कि मैं आपके साथ मजाक कर रही हूँ? चलो कोई नहीं, आज रात मैं आपको भी अपने जैसी भूत बना दूंगी, फिर हम लोग एक साथ मिलके लोगों को डराएंगे। हे भगवान, ये तो सच में चुड़ैल बन गई। बिमला मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं जिंदगी भर घर का सारा काम करूंगा, तुम कुछ मत करना, बस मुझे भूत मत बनाओ, मुझे यहाँ से जाने दो। अरे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे तो मैं भूत बना दूंगी। फिर दीपक जाकर अलमारी के पीछे छुप जाता है। अरे कहाँ चला गया वो? और वो चुड़ैल उससे खोजते खोजते घर के बाहर निकल जाती है। उसके बाद अगले दिन सुबह होने पर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कल रात में वो चुड़ैल मुझे खोज नहीं पाई, वरना कल रात तो मैं मर ही जाता। ए जी, आपको क्या हुआ, आप डर क्यों रहे हो? आप तो ऐसे डर रहे हो जैसे मैं कोई चुड़ैल हूँ। अरे ये इसे क्या हो गया, ये इतने अच्छे से बात क्यों कर रही है? लगता है रात होने पर ये चुड़ैल बन जाती है और सुबह होने पर चुड़ैल की शक्तियाँ खत्म। अरे नहीं, मैं डर नहीं रहा, वो कल रात भर में सो नहीं ना पाया, इसलिए ऐसा लग रहा है। उसके बाद रात होने पर दीपक आ जाता है एक साधु महाराज के पास। वहां जाकर दीपक अपनी सारी बात बाबा को बता देता है। उसके बाद वो बाबा जी दीपक के साथ उसके घर आ जाते हैं। बाबा देखिए ना, मैंने कहा था ना कि रात में मेरी पत्नी चुड़ैल बन जाती है, देखिए ये चुड़ैल बन गई है। ए चुड़ैल, तू कौन है और कहां से आई है? तेरी इतनी हिम्मत इन भोले भाले लोगों को परेशान करती है, अभी के अभी शरीर से निकल जा, वरना तुझे मैं जलाकर राख कर दूंगा। अरे साधु, यहां से अभी के अभी निकल, वरना तुझे जला दूंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक तुझे अभी बताता हूँ। ओम क्रीम क्राम चामुंडा स्वाहा। उसके बाद वो साधु महाराज अपने तंत्र विद्या से एक तावीज अपने हाथ में ले आते हैं और उस चुड़ैल के गले में डाल देते हैं। अरे तूने ये क्या किया, हाय मैं मर गई रे। जैसे तावीज बिमला के गले में जाता है, चुड़ैल उसके शरीर से निकल जाती है। तो बच्चों, आज के स्टोरी में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो अभी के अभी हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही जादुई कहानियां देखना चाहते हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो ये बेल आइकन है ना, इसे जरूर दबाएं। इससे ये होगा कि हम जब भी कोई वीडियो डालेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा।